हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो आ गई हूँ मैं अपने दोनों वीडियोस के कमेंट्स लेके, और उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने दिए हुए कमेंट्स को ज़रूर सुनोगे और मुझे ऐसे ही प्यार सपोर्ट करोगे। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं अपना सिलसिला। और सबसे पहले मैं कल जिसमें प्राइम वीडियो किया था गुनगुन ने, उसके मैसेजेस पढ़ूँगी। और एक बहुत ही अच्छे इंसान ने मुझे मैसेज किया है, जो मेरे सब्सक्राइबर है कि नहीं मुझे नहीं पता, मगर उन्होंने मुझे मैसेज किया है। तो चलिए पहले उनका मैसेज पढ़ा जाए। और आप लोगों को मैं ये मैसेज पहले से सुना रही हूँ, क्योंकि बाद में अगर पढ़ूंगी तो बहुत कोई बात तक नहीं देखते हैं, इसे स्टार्टिंग में इनका मैसेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना अच्छा मैसेज है। आप लोग पढ़ो, आप लोग सुनो, सॉरी आप लोग सुनो, मैं पढ़ती हूँ, आप लोग सुनो, और इनकी भाषा में थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, गौर फरमाना कि कितने अच्छे बैकग्राउंड से हैं। स्टार्ट करती हूँ। अबे ओ, आपके पास दिमाग नहीं है, आपको समझ में आता है कौन सही है और कौन गलत? राधिका सबर की मम्मी को वापस उठा है और उसकी कितनी बेइज्जती करती है। राधिका सबर के लायक नहीं है, वो अपने हस्बैंड पर हाथ उठाती है, वो चूतिया लड़की, और साथ में आप भी, अच्छा अच्छा मैं भी हूँ, आप अपने हस्बैंड पर हाथ उठाती हो? हाँ ज़रा बोलो, पागल औरत। राधिका पहले दिन बहुत तमीज़ दिखा रही थी समर की मम्मी को, अब शादी के बाद अपने असलियत दिखाई। तो इसमें आप क्या बोलेंगे? राधिका का मैं सपोर्ट करती हूँ, इसलिए मुझे ये सब बातें सुननी पड़ती हैं। आप लोग ही बताओ, मेरे फैमिली मेम्बर्स आप लोग ही बताओ। और दूसरी बात है, इन्होंने जो मुझे क्वेश्चन किया है कि मैं अपने पति को मारती हूँ कि नहीं, तो भाई पहली बात, हम दोनों में बहुत प्यार है ना, मैं अपने पति को कोई एंगल से धोखा कभी भी लाइफ में दी हूँ ना, वो मुझे कभी भी अपने मेरे लाइफ में मुझे कभी भी शादी के पहले और शादी के बाद कभी भी धोखा नहीं दी। और दूसरी बात है, मारने का तो सवाल ही नहीं आता, जब हम दोनों एक दूसरे के प्रति इतने ईमानदार हैं, एक दूसरे से अलग रहते हैं ताकि हमारे बच्चे की पढ़ाई अच्छी, एडुकेशन हो सके, हमारा घर अच्छा चल सके, तो इसमें कौन किसको मारेगा और कौन क्या करेगा? आप जब किसी के लाइफ के बारे में नहीं जानते हो, प्लीज़ कमेंट मत करो। और दूसरी बात है, यहाँ सवाल राधिका का जब आ रहा है, तो राधिका पहले मुँह नहीं खोलती थी, अभी खोल रही है। क्यों खोल रही है? आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है? आप लेडीज़ हो या जेंट्स हो, आपका नाम है मीर वासिल, आपका नाम मैंने पढ़ा, तो आप जेंट्स हो या लेडीज़ मुझे नहीं मालूम, जो भी हो, आप एक चीज़ मुझे बताओ, अगर आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड अपने एक्स वाइफ से मिलता जुलता रहेगा, उससे फिर अपना हाय हेलो करता रहेगा, और हाय हेलो ही सिर्फ नहीं, चिपक के बात करना, ये करना, वो करना, बच्चे की फिर से प्लानिंग करना, एक बच्चा हो जाना, मतलब प्रेग्नेंट कर देना आफ्टर मैरिज सेकंड वाइफ से, तो और यहाँ पे जो सासू माँ है वो भी एक्स बहू का ही साथ दे रही है, तो इसमें आप क्या कहोगे? आप इसमें क्या अपने पति को मारने नहीं जाओगे? और दूसरी बात है, आप क्या तभी भी शांत होकर घर का काम करते रहोगे, रोटी पका के खिलाते रहोगे और मजबूर औरत की तरह से बैठे रहोगे? ये चीज़ आप करोगी? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे इसका जवाब दो, क्योंकि ये चीज़ हर औरत की कहानी है, सिर्फ राधिका की नहीं। ये अगर मेरे साथ बीतता ना, तो वो तो सिर्फ चप्पल उठाई, मारी नहीं, मैं तो जो हाथ में आता उसे सर फोड़ देती। मैं ये बात बोल रही हूँ आपको, पूरे डंके की चोट में बोल रही हूँ कि मैं तो सर फोड़ देती, चाहे मुझे पुलिस उठा के ले जाता, पर मैं अपने घर को बचाने के लिए मेरे हस्बैंड को ही मारती और साथ में जिस लड़की के संग घूमता उसको ही मारती। मैं तेज तरार लड़की हूँ, मैं इतनी शांत नहीं, मैं शांत दिखती ज़रूर हूँ, मगर कोई अगर मुझे छेड़ेगा और मेरे घर परिवार को कुछ ख़राब होगा किसी की वजह से, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और यही चीज़ राधिका, बस बेचारी उसकी मम्मी उसका साथ दे रही है, मेरे मायके वाले मेरा साथ नहीं देते ये सब करने में, पर मैं अकेली 101 थी, मुझे अपना घर बचाना है, अपने परिवार को, अपने बच्चों के लिए, अपनी सासू माँ के लिए, मुझे अपने परिवार को बचाना है। अब आप क्या कहोगे? आप इसमें कुछ कहोगे? मेरा वीडियो लंबा हो रहा है, मगर मैं, मुझे ये बोलना बहुत ज़रूरी था फ्रेंड्स, इसीलिए मैं सबसे पहले इनका मैसेज पढ़ी, क्योंकि ये सिर्फ राधिका की कहानी नहीं है, राधिका का चिड़चिड़ापन लोग देख रहे हैं, पर राधिका चिड़चिड़ा क्यों रही है? क्यों अपनी सासू माँ के ऊपर तेज चिल्लाती है? क्यों समर के ऊपर चिल्लाती है? क्योंकि उसके ऊपर वो चीज़ बीतता है, उसको वो प्यार पति से नहीं मिलता, उसको सासू माँ से वो प्यार नहीं मिलता, क्या होता है? गुनगुन के लिए सारा प्यार है। तो गुनगुन के लिए वो प्यार कब था? जब गुनगुन खुद बहू बन के समर के साथ रहती थी, तब समर की मम्मी गुनगुन को वो प्यार क्यों नहीं करती थी? ये सवाल का जवाब दो। गुनगुन का घर टूटा है गुनगुन के माँ बाप के कारण, ना ही राधिका के कारण और ना ही समर की माँ के कारण। समर की माँ तो एज अ सासू माँ करेगी ही, वो हर सासू माँ करती है, इसका मतलब ये नहीं कि घर तोड़ के चले जाओ।
अब आप लोग बताओ इसमें मैं कहाँ गलत हूँ। चलिए, जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। अब मैं मुस्कान जी का मैसेज पढ़ूँ। लिखा, एकदम सही कहा मैम आपने, वेरी गुड, थैंक यू सो मच मुस्कान जी। सुमित्रा जी ने लिखा, इन लोगों के ऊपर हंसी आती है, मुझे खुद आती है कभी कभी। रीमा जी लिखा, बेशर्मी की हद होती है। थैंक यू सो मच रीमा जी, सुमित्रा जी और मुस्कान जी, आपने मुझे मैसेज किए। उसके बाद गीता जी ने लिखा, वेरी नाइस, आपने हार्ट भी दिया, थैंक यू सो मच। फिर जिनका मैंने मैसेज पर उनका मैसेज था, आप प्लीज़ अदरवाइज़ मत लेना। और दूसरी बात है, मेरा आपसे कोई आपसी वो सब नहीं है, मतभेद नहीं है। आपने जो सवाल किया मैंने सवाल का जवाब दिया। और एज अ लेडी मैं ये चीज़ कभी भी नहीं अपनाऊंगी कि किसी भी लेडी के साथ ऐसा गलत हो। भंवर लाल जी ने लिखा है, भंवर लाल प्रजापति जी हार्ट दिए हैं, थैंक यू सो मच। उन्होंने लिखा है, बेशरम है ये गुनगुन और समर, थैंक यू सो मच। हेमा जी लिखा है, गुनगुन हैज़ कम टू समर हाउस फॉर द बेबी एंड प्रॉपर्टी एंड समर इज़ फुलिश टू स्पॉइल राधिका लाइफ बिकॉज ऑफ गुनगुन। माइट बी दिस इज द रीजन राधिका इज टू मच अपसेट एंड स्पीक्स रूडली टू एवरी वन। एग्जैक्टली, एंड दैट्स द मेन रीजन वाई शी इज स्पीकिंग रूडली टू एवरी वन, वी ऑल नो। थैंक यू सो मच हेमा जी। स्मार्ट अविनाश जी ने लिखा है, पूरा बकवास ड्रामा चल रहा है उधर एकदम। तरनजीत जी ने लिखा है, जहाँ जेल तो छत है। हाँ, आप सही बोले, थैंक यू सो मच। यूज़र QE2005RL9U ने स्माइली भेजा, थैंक यू सो मच। कंचन जी ने नाइस और हार्ट भेजा, थैंक यू सो मच। सुनीता शर्मा जी ने लिखा है, बिल्कुल सही बोल रहे हो जी, समर कितना मतलबी है, दौड़ का बच्चा के सुन के, ध्रुव के बच्चा का सुन के अपने रंग कैसे बदला। गुनगुन अपने पति को जेल में डालकर कितनी कुछ खुश है, बेशर्म लड़की। लोग का सब तो मिला भगती है ना सुनीता जी, थैंक यू सो मच मुझे मैसेज करने के लिए। रेनू जी ने मुझे राइट, बिल्कुल सही कहा है सिस्टर, आपने हार्ट भी दिया है, थैंक यू सो मच आप सभी को। मैं आप लोग का जल्दी से देख लेती हूँ, किसी का और मैसेज रह गया हो तो मैं जल्दी से पढ़ लूँगी। हाँ, अगर मेरे मैसेज का वीडियो लोडिंग के टाइम अगर किसी का मैसेज आता है तब मैं नहीं पढ़ पाती, सो सॉरी फॉर दैट। अब मैं अपने दूसरे वीडियो की ओर जाती हूँ जिसमें प्रॉपर्टी नाम हो गया है राधिका के, भाई बहुत बड़ी बात है। चलो चलो चलो, इसमें सबसे पहले मैं मैसेज पढ़ूंगी अनीता भट्ट जी का। उन्होंने लिखा है, समर का फ्लैट तब जाता जब समर डिवोर्स देता, पर यहाँ पर तो राधिका डिवोर्स मांग रही है ना, कि समर मांगता तो तब देना पड़ता। उसको कहाँ से ये वकील लग रहा है जिससे पहाड़ा ही नहीं आता। मुझे भी ये चीज़ समझ में नहीं है अनीता जी, मैं इसलिए मैंने भी कहा ये कौन सा कोर्ट है भाई, इतनी जल्दी फैसला करता है, ये क्या हो रहा है, ये प्रॉपर्टी पूरा कैसे राधिका का नाम हो सकता है, गॉड नोस। उसके बाद मीरा जी ने लिखा है, आज तो मज़ा आ गया दीदी, बहुत अच्छा लगा राधिका को खुश देख के, आपने हाथ भी दिया, थैंक यू सो मच मीरा जी। कंचन जी ने लिखा है, अब तो मुझे आएगा इसे का साथ, तो जितना हो उतना ही कम है, जेल जाएगा तो मज़ा आएगा, फिर गुनगुन के पापा आ जाएंगे। वो तो रेडी हैं आने के लिए, उनको मौका नहीं मिल रहा है स्क्रिप्ट के हिसाब से। थैंक यू कंचन जी। हिमेश जी ने नमस्ते लिखा है, थैंक यू सो मच। साहिद कुट्टी जी ने लिखा है, हेलो हेलो, अ मैन ऐसा नहीं है, मैम ऐसा नहीं है, आप जो सो जाओ वह हिसाब से नहीं, 5 लाख फ्लैट लेने के लिए दिया था, 5 लाख के ऊपर शादी में खर्चा किया था, बाकी वो उसको सामान थोड़ा दिया था, थोड़ा पैसा ऐसा हो गया, फिर फाइट का आधा हिस्सा, फ्लैट का आधा हिस्सा ऑडियो को लगता है उर्मी के जोड़ी के राधिका को देने के लिए कोर्ट ऑर्डर किया, ऐसा होता है। अच्छा, पता नहीं मुझे, थैंक यू सो मच मुझे मैसेज करने के लिए। गीता जी ने हार्ट दिया है, स्माइली दिया है, नाइस लिखा है, थैंक यू सो मच। सावित्री मुंडा जी ने लिखा है, मैडम जी पहले से ही कानून में बना हुआ है कि पति के प्रॉपर्टी पर 50% पत्नी का अधिकार है, और राधिका की मम्मी ने भी 5 लाख दिए हैं, इस आधार से राधिका को घर मिल जाएगा। अच्छा, ऐसा है, थैंक यू सो मच सावित्री जी। फिर रेनू जी ने लिखा है, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने हार्ट दिया है। ताशी जी ने भी हार्ट दिया है। मुस्कान जी ने भी लिखा है, राइट, आपने सही कहा, थैंक यू सो मच आप तीनों को। स्मार्ट अविनाश जी ने लिखा है, बकवास ड्रामा चल रहा है सही में। रीमा जी ने लिखा है, ऐसा कौन सा कोर्ट है हर्षा जी जो इतना जल्दी हो गया, वही तो मेरा भी सवाल था रीमा जी, ऐसा कौन सा कोर्ट है। गुरंग जी ने मुझे लाइक और स्माइली दिया है, थैंक यू सो मच। अब मैं देख लेती हूँ किसी का मैसेज अगर रह गया हो। नहीं नहीं नहीं, बस नहीं, बस और किसी का मैसेज नहीं है। अब अपने कमेंट के वीडियो में एक बार देख लूँ भाई, किसी का मैसेज होगा तो मैं जल्दी से बोल लूँगी। हाँ,
जी जी वी एफ वी एफ जी एच एच ने लिखा है वकील कमज़ोर है। फिर मोहम्मद जलाल ने लिखा है राधिका को मैं 5-6 साल से जानता हूँ, समर को भी मैं बहुत दिन से जानता हूँ, तो इसमें सारा गलती राधिका और राधिका की माँ की है, समर की कोई गलती नहीं है अगर दिल से देखोगे तो। अच्छा, फिर आपने लिखा है देखो मैं इसमें गलती अगर मानूँ ना तो राधिका की है, पति को पति नहीं मानती, इस सास को सास नहीं मानती है, तो कहाँ तक राधिका सही है, और आप जो बोलते हो ना समर की गलती है, समर की कोई गलती नहीं है, सोच गलत आप लोगों का। अच्छा, थैंक यू सो मच मोहम्मद जलाल जी, आपने मुझे मैसेज किया। शेखर जी ने लिखा है जैसी करनी वैसी भरनी, एकदम। रेणु जी ने और ताशी जी ने मुझे हार्ट दिया, थैंक यू सो मच। उसके बाद मैं शेखर जी का मैसेज पढ़ूंगी। शेखर करकेरा जी ने लिखा है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, समर, एकदम। थैंक यू सो मच। मीरा जी ने भी राइट और हार्ट दिया है। बस मेरे पास इतने ही कमेंट्स थे और मेरे पास कमेंट्स नहीं है, एक बार मैं देख लेती हूँ किसी का कमेंट अगर रह गया हो। नहीं जी, मेरे पास सारे कमेंट्स ख़त्म, और मैं अपना वीडियो करती हूँ एंड, क्योंकि यहाँ 11 मिनट हो गया है और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। तो चलिए, मुझे ऐसे ही प्यार सपोर्ट कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा और मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहना फ्रेंड्स। बस और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, बस अपना अपने परिवार का ख्याल रखना और मेरे साथ हमेशा बने रहना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।